हेलो गाइस, एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ वीडियोस मेरे मॉर्निंग में 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में आ जाते हैं, बट कॉपीराइट के वजह से अभी वीडियोस लेट आ रहे हैं। तो थैंक यू आपके पेशेंस के लिए कि अभी माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 के साथ साथ मैं गोल्डन स्पून की भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन को दिखा रहे हैं, प्लीज उतना ही प्यार और सपोर्ट गोल्डन स्पून को भी दिखाइएगा। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्याओची एंड ज़ीवू बात कर रहे थे कि फांग अब श्याओची को क्या सरप्राइज देने वाला है। दोनों कंफ्यूजन में थे तभी वहाँ पे शाय आती है जो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। वो आते ही डांस करती है और उन दोनों से कहती है कि मैं जांग के साथ डेट पे जाने वाली हूँ, क्या जांग मुझे इन कपड़ों में देख के खुश होगा, जिससे ज़ीवू एंड श्याओची दोनों ही एक्साइटेड होती है। फिर शाय उन दोनों को अपने साथ डांस करने को बोलती है और तीनों साथ में डांस करते हैं। नेक्स्ट डे श्याओची जब ऑफिस जाती है तो हान उसे वहाँ पे देख के बहुत खुश था। फिर हान उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे उसकी न्यू डेस्क दिखाता है जो फांग ने स्पेशली उसके लिए डिजाइन करी थी, जहाँ पे बहुत सारी कैंडीज, कैंडल्स और बहुत अच्छी कंफर्टेबल चेयर थी। लेकिन श्याओची कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे फांग आ जाता है तो फांग कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है जो तुमने हमारी कंपनी को हेल्प करी है उसके लिए। तो श्याओची कहती है कि ये ज्यादा हो जाएगा। तो फांग स्माइल करता है लेकिन हान कहता है कि आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत ही हेल्प, इवन वन ग्रुप का प्रोजेक्ट भी तुमने ही फाइनलाइज किया था, इसीलिए तुम्हें ये रिवॉर्ड लेना चाहिए। और वो श्याओची को चेयर पे बिठाता है। तभी फांग उसके पास आता है और कहता है कि ये जगह मेरी ऑफिस से बहुत ही क्लोज है, तो तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम वहां आ सकती हो, जिससे श्याओची स्माइल करती है और हान भी दोनों की बातें सुन के खुश होता है। नेक्स्ट सीन में श्याओची और फांग बातें करते हैं कि वो उन्हें अब ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जो बॉडी में से हार्मोन्स निकाले, क्योंकि हार्मोन्स निकलना इजी नहीं है और उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस चाहिए। तभी वहाँ पे हान आता है जो ने मिस्टर के बारे में बताता है जो 30 सालों से हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने का ही काम कर रहे हैं। श्याओची और फांग दोनों को ही वो ही पर्सन ठीक लगते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर फांग श्याओची से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मिस्टर के पास चलना, क्योंकि मिस्टर के उनकी वाइफ की डेथ के बाद फॉरेस्ट ऑब्जर्वेटरी में अलग रहते हैं और किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। श्याओची खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जांग और शाय डेट पर हैं, जहाँ पे डॉक्टर जांग शाय से पूछता है कि तुम्हें कोई पसंद है क्या। तो शाय बताती है कि हाल ही में मैं एक लड़के से मिली हूँ जो मुझे काफी अच्छा लगता है, वो काइंड है, जेंटल है और वो मेरी बहुत ही केयर करता है। जांग इन सबसे जेलस फील करता है क्योंकि उसे शाय पसंद आने लगी थी और वो उस लड़के में कमियां निकालने लगता है। लेकिन शाय कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर जांग खुश होता है और दोनों डेट करने का डिसाइड करते हैं। घर पे श्याओची और ज़ीवू दोनों ही फांग के साथ जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी शाय आती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पे अच्छे कपड़े लेके जाने चाहिए और उन्हें कपड़े दिखाने लगती है, जिससे दोनों कंफ्यूज होते हैं। तभी डोरबेल रिंग होती है तो श्याओची को लगता है कि मे बी फांग आया है। वो जब जाके डोर ओपन करती है तो वहाँ पे तो ली था, जिसे देख के वो डिसअपॉइंट होती है। तभी ली ज़ीवू से कहता है कि हम डिनर पर चलने वाले थे लेकिन तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। तो ज़ीवू कहती है क्योंकि मैं श्याओची की हेल्प कर रही थी, कल हम दोनों फांग के साथ जाने वाले हैं। ये सुनकर ली अपसेट होता है क्योंकि उसे किसी ने भी साथ में चलने को नहीं कहा था, तो ज़ीवू उसे मनाने लगती है। तभी श्याओची को जियांग का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, तो श्याओची वहां से जाती है। नेक्स्ट दिन में हम जांग को देखते हैं जिसने श्याओची और फांग को किस करते हुए देखा था, जिससे वो बहुत ही जेलस था और उसने श्याओची को यहाँ यही बताने के लिए बुलाया था कि वो भी केप टाउन से ही है। जब श्याओची वहाँ आती है तो जियांग उसे अपने पास बिठाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होती है मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। तो श्याओची इस चीज पे अग्री होती है, तो बोलता है क्योंकि मेरी रियल आइडेंटिटी है। तभी श्याओची को किसी का कॉल आता है, श्याओची कॉल रिसीव करती है तो वो फांग का फोन था जो उसे बता रहा था कि कल उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेस्ट में जाना है हार्मोन एलिमेंट का एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये सुनते ही जियांग समझ जाता है कि श्याओची का ध्यान अभी भी उसके मिशन पे ही है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जिससे श्याओची ऑकवर्डली स्माइल करती है। फिर जियांग उसे वहां से जाने को कहता है और अपनी ट्रिप की तैयारी करने को कहता है, तो श्याओची भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब फांग, श्याओची और ज़ीवू कार के पास आते हैं तो ली ने ऑलरेडी अपना सूटकेस वहां रख दिया था और वो भी उन लोगों के साथ जाने के लिए कहता है। फांग इरिटेट होता है लेकिन फिर भी अग्री हो जाता है। जब सब कार में बैठते हैं तो सिंगिंग करते हुए जा रहे थे और वो जब फांग से गाना गाने को कहते हैं तो सबके साथ फांग भी गाना गाता है, जिससे सभी खुश होते हैं। फिर वो इंजॉय करते करते मिस्टर के घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो मिस्टर के पास जाते हैं और उन्हें अपने कंपनी के बारे में बताते हैं तो मिस्टर के उनकी बात सुने बिना घर के अंदर चला जाता है और कहता है
उसे उनकी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फांग उसे कहता है कि वो फ्यूचर ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पर मिस्टर के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आया है, लेकिन मिस्टर के उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। तभी श्यावजी की नजर साइड में रखे एक ऑर्किड के प्लांट पर जाती है। उसे याद आता है कि हान ने फोटोज दिखाए थे कि ये वाला प्लांट मिस्टर के की वाइफ के मरने से पहले उन्होंने उन्हें दिया था और वो तब से ही इसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो प्लांट मर रहा था। जिसे सभी समझ जाते हैं कि इसीलिए मिस्टर के इतने इरिटेटेड है और किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। श्यावजी जुबू से कहती है कि वो इस प्लांट को ग्रोथ कैसे होगी वो सर्च करे, जिसे वो सर्च करती है और सबको बताती है इसमें पाइन बार्क डालने की जरूरत है, जिसे सभी पाइन बार्क लेने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पे सब पाइन बार्क जमा कर रहे थे तो फांग एंड ली आगे जाते हैं और एक्स्ट्रा पाइन बार्क लेने के लिए। तभी जुबू एंड श्यावजी कहते हैं कि पाइन बार्क से भी इतनी जल्दी ये प्लांट अच्छा नहीं होगा। तभी श्यावजी को आइडिया आता है और वो उस पर लव स्पेल करती है, जिससे वो प्लांट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और दोनों खुश होते हैं। साथ ही श्यावजी जुबू से कहती है कि वो फांग एंड को ऐसा कहे कि ये पाइन बाग से ही इतना अच्छा हुआ है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर के देखता है कि उसका ऑर्किड वहाँ से गायब है, लेकिन तभी श्यावजी और सब वहाँ पे उसका ऑर्किड लेके आ जाते हैं। वो देखता है कि उसका ऑर्किड इतना अच्छा हो चुका है। वो सभी बताते हैं कि ये पाइन बाग से हुआ है, जिससे वो बहुत ही खुश होता है कि ये लोग इतना पीछे गए मेरे लिए, मेरा प्लांट ठीक करने के लिए। फिर वो सब बैठ के बातें करते हैं, जहाँ पे फांग कहता है कि हम बहुत ही सिंसियर प्रपोजल के साथ आपके पास आए थे, भले ही आप हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हो पर फिर भी हम फ्रेंड्स तो हो ही सकते हैं ना। लेकिन मिस्टर के कहता है कि मुझे तुम लोग अच्छे लगे और तुम्हारी सिंसियरिटी उससे भी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूं, जिससे वो सभी खुश होते हैं और मिस्टर के अंदर मटेरियल लेने के लिए जाते हैं। फांग श्यावजी से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिससे श्यावजी स्माइल करती है और कहती है कि ये टीम एफर्ट है। लेकिन फांग कहता है कि नहीं, फिर भी तुमने सबसे ज्यादा मेहनत करी है। ये सुनकर ली एंड जुबू दोनों ही सरप्राइज होते हैं। तभी ली जुबू को लेके वहाँ से चला जाता है और फांग एंड श्यावजी बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों मिस्टर के पास थे, जहाँ पे वो उन्हें इक्विपमेंट एंड मशीन बताता है कि कैसे हॉर्मोन्स को हॉर्मोन एलिमेंट्स में चेंज करना होता है, और वो कहता है कि ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी है और बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल रह के ये करना पड़ता है, और अपनी सारी ही रिसर्च फांग को दे देता है, जिससे फांग खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। मिस्टर के कहता है कि मेरी टेक्नोलॉजी से बहुत ही हाई प्योरिटी के हॉर्मोन्स कलेक्ट होते हैं, लेकिन हॉर्मोन कलेक्ट करने की प्रोसेस बहुत ही हार्ड होती है। तभी श्यावजी याद करती है कि उसकी रिंग से कितनी ही जल्दी हॉर्मोन्स कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तभी मिस्टर के कहता है कि हॉर्मोन एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मेरी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है। फिर वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे लोगों को चूज करो जिनमें से सबसे अच्छे हॉर्मोन्स निकले। वो कहता है कि लास्ट टाइम मेरी वाइफ की हेल्प से मैंने 10 साल पहले बहुत ही अच्छे हॉर्मोन्स कलेक्ट करे थे। दोनों उसकी बातें सुनते हैं। नेक्स्ट सीन में ली एंड जुबू साथ में थे, जहाँ पे कोस्ट के पास जुबू बहुत ही एंजॉय कर रही थी एंड ली अपनी पेंटिंग कर रहा था और उसे देख के खुश होता है। तभी जुबू उसके पास आती है और कहती है कि मुझे भी दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है, लेकिन ली उसे दिखाने से मना कर देता है, जिससे जुबू उसके पास आती है और उससे बुक लेने का ट्राई करती है। इसी प्रोसेस में दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जुबू उसे टच करती है, जिससे ली कंफ्यूज होता है। तो जुबू कहती है कि तुम्हारे कपड़ों में बग है, जिससे वो डरता है और वो बग हटाने का ट्राई करता है और उसके हाथ से बुक गिर जाती है। तो जुबू बुक उठाती है और देखती है कि ली ने पूरी ही बुक में सिर्फ जुबू को ही ड्रॉ किया है। तो वो ली से पूछती है कि ये क्या है, तो ली कहता है कि मैं कुछ भी ड्रॉ करता था तो तुम हमेशा सामने होती थी, तो मैं तुम्हें भी ड्रॉ कर देता था। तभी वो देखती है कि ली ने उसकी और ली की एक ऐसी ड्रॉइंग बनाई है जिसमें ली ने उसके सर पे हाथ रखा है। तो वो पूछती है कि ये क्या है, तो ली कहता है कि मैंने टीवीज एंड ड्रामास में देखा है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो ऑलवेज उसके सर पे हाथ रखता है। ये सुनकर जुबू खुश होती है कि ली उसे लाइक करता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक से जुबू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो नर्वस होकर पानी में गिर जाती है और कहती है कि मैं अभी टर्टल में कन्वर्ट नहीं हो सकती हूँ। तभी ली उसे बचाने के लिए पानी में आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को सभी कैंपसाइट पे हैं, जहाँ पे ली ठंडी की वजह से कांप रहा है। जुबू श्यावजी से कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखो, लेकिन जब श्यावजी उसकी आंखों में देखती है तो जुबू को कुछ नहीं होता, जिससे जुबू कंफ्यूज होती है कि जब ली मेरी आंखों में देखता है तो मैं टर्टल में कन्वर्ट क्यों हो जाती हूं? फिर वो फांग की आंखों में भी देखने का ट्राई करती है, लेकिन वो भी काम नहीं आता, जिससे वो और भी ज्यादा इरिटेट होती है। फिर वो फाइनली एक और बार ली की आंखों में देखती है और उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। तो वो ली के पास में जाकर बैठ जाती है ताकि उसे ली की आंखों में ना देखना पड़े।
फिर जुबू एंड शाओजी टेंट रेडी कर रहे थे सोने के लिए, लेकिन ली कहता है कि मैं टेंट में नहीं सो सकता हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो जाएगी और मैं पास ही के होटल में जा रहा हूँ। फिर वो शिबू को लेके वहां से चला जाता है, जिससे फांग एंड शाओजी दोनों कंफ्यूज होते हैं। शाओजी फिर आसमान में देखती है जहाँ पे उसे बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। वो कहती है कि लास्ट इतने सारे स्टार्स मैंने स्पेसशिप में देखे थे, जिससे फांग कंफ्यूज होता है। तो शाओजी बात पलट देती है और दोनों को बैठने को कहती है, जहाँ पे फांग उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। शाओजी कहती है कि मुझे बचपन से ही अर्थ एंड मून में बहुत ही इंटरेस्ट था। जब मेरी टीचर हमें पढ़ाती थी तो हमेशा बताती थी कि अर्थ एंड मून कैसे एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। फिर मुझे पता चलने लगा कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो भी हमेशा एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें भी ग्रोथ के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। फांग उसकी बातें सुनता है और खुश होता है। फिर शाओजी फांग को भी ब्लैंकेट उड़ाती है, जिससे फांग उसे देखता है। शाओजी बताती है कि जैसे मून एंड अर्थ एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे ही जुबू एंड शाय हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे हेल्प करते हैं। फांग उसे कहता है कि तुम भी हमेशा मेरी हेल्प करती हो, जिससे शाओजी खुश होती है। फिर कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम हॉर्मोन्स कैसे कलेक्ट करेंगे, हमें परफेक्ट सैंपल कैसे मिलेगा। तो फांग उसे बताता है कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो उसके अंदर से हॉर्मोन्स जल्दी कलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि तब उनके अंदर अलग ही इमोशंस होते हैं, जिससे शाओजी सजेस्ट करती है कि हमें एक्सपेरिमेंट के लिए कपल्स को रिक्रूट करना चाहिए। फांग को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और उसे देखता है। फिर फांग उसे कहता है कि अब मैं तुमसे ये कहने के लिए रेडी हूँ। तो शाओजी पूछती है कि क्या, तो फांग कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिससे शाओजी उसे शॉकिंगली देखती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।